हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन हब कानपुर में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेज में क्लास टेंथ की सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है जैव शक्ति सिद्धांत। यह सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने सन 1815 ईस्वी में किया। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक केवल जीवधारी स्रोतों से ही होता है। इस सिद्धांत में जो भी कार्बनिक यौगिक निर्मित होते हैं वे केवल जीवधारी स्रोतों से ही होते हैं, अर्थात केवल जैविक स्रोतों से ही कार्बनिक पदार्थ निर्मित होते हैं। प्रयोगशाला में निर्मित नहीं किए जा सकते। जैव शक्ति सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने सन 1815 ईस्वी में किया। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का केवल निर्माण जीवधारी स्रोतों से ही होता है। इस सिद्धांत में कोई भी कार्बनिक यौगिक निर्मित होता है तो केवल जीवधारी स्रोतों से ही होता है, अर्थात इसको प्रयोगशाला में निर्मित नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात सन 1828 ईस्वी में मूलर नामक वैज्ञानिक ने इसका खंडन किया। और उन्होंने बताया कि कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में भी निर्मित किया जा सकता है। और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने सर्वप्रथम
कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया जो अकार्बनिक पदार्थों अमोनियम सल्फेट एवं पोटेशियम साइनेट को प्रयोगशाला में गर्म कर बनाया। जैसे ही यूरिया का निर्माण हुआ, जैसे ही प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया निर्मित हुआ, वैसे ही जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। जैव शक्ति सिद्धांत में बताया था कि केवल कार्बनिक यौगिक जो हैं उनका निर्माण जीवधारी स्रोतों से होता है, जबकि सन 1828 में हुलर नामक वैज्ञानिक ने इसका खंडन किया और प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम सल्फेट एवं पोटेशियम साइनेट को गर्म कर प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। और जैसे ही यूरिया का निर्माण हुआ, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। अब अपन कार्बनिक यौगिक यूरिया को निर्मित करते हैं। हुलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम सल्फेट एवं पोटेशियम साइनेट से किस प्रकार प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया को निर्मित किया। अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट एवं पोटेशियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट पोटेशियम साइनेट को गर्म किया और यूरिया निर्मित किया। इससे बन गया अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म किया। जैसे ही गर्म करता है, अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट बनता है। अब अमोनियम साइनेट जो है उसको और अधिक गर्म किया गया तो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया निर्मित हुआ। ये है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट और ये प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया। जैसे ही इस यूरिया का निर्माण हुआ, जैव शक्ति सिद्धांत जो बर्जीलियस ने दिया था उसका खंडन हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो आता है कार्बन परमाणु की विशेषताएं।
क्योंकि अपन कार्बन और कार्बन के प्रमुख यौगिक का ही अध्ययन कर रहे हैं, तो अब अपना जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट होता है कार्बन परमाणु की विशेषताएं। कार्बन परमाणु की विशेषताएं, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कार्बन। कार्बन एक तत्व है जो प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में मिलता है। कार्बन जो परमाणु है उसकी विशेषताओं में नंबर एक आती है, इसका प्रतीक सी होता है। नंबर दो, इसका परमाणु क्रमांक छह होता है। अब यहां पर एक शब्द आया परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? अपन ने नाइन्थ में पढ़ा है, किसी भी परमाणु में परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, अर्थात किसी भी परमाणु के अंदर ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ये परमाणु के तीनों मौलिक कण हैं, जिसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये दोनों नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार या गोलाकार जो कक्षक होती हैं उनमें होता है। बात आती है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक तीन होता है, अर्थात ये कहें कार्बन परमाणु जो है उसके नाभिक में छह प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। इसके बाद नंबर तीन आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है, अर्थात 2-4 होता है। कार्बन परमाणु जो है उसका संरचना निर्मित करें तो इसके पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसकी पहली कक्ष के दूसरी कक्ष L, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अर्थात इसकी बाह्यतम कोष जो है L उसमें 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। आंतरिक कक्ष जो है K उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये है कार्बन परमाणु की संरचना। अपन ने नाइन्थ में पढ़ा है किसी भी परमाणु का परमाणु संरचना चित्र कैसे निर्मित होता है, अर्थात उसकी जो बाह्यतम कक्ष जो है उनमें इलेक्ट्रॉन जो है उनका वितरण कैसे किया जाता है। उसके लिए एक सूत्र होता है 2n2, जहां n बराबर नाभिक से कक्षकों की दूरी है, अर्थात नाभिक से कक्षक एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, तो ये नंबर जो है वो n है, जैसे k, l, n,
एन, के का है एक नंबर, एल का है दो, एम का है तीन, एन का है चार। इस प्रकार से जो ये नंबर हैं ये एन का मान है। इस एन का मान जैसे ही रखेंगे इस सूत्र में तो हमें कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे उसका पता चल जाता है। जैसे के कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इस सूत्र में, के में एन बराबर होता है एक। देखो एन बराबर एक, तो यहाँ सूत्र अपना जो है वो है टू एन स्क्वायर, जहाँ एन का मान जैसे ही रखेंगे 2 × 1² जैसे ही इसको खोलेंगे तो 2 × 1 × 1 अर्थात 2। के कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। इसी प्रकार से एम में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे ही सूत्र में 2n² इसमें n बराबर 2 होगा। देखो यहाँ l में n बराबर कितना है 2, जैसे ही इसमें n का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2² ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8। अर्थात n कक्ष जो है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अपन यहाँ पढ़ रहे हैं कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है 6, जिसमें बाह्यतम कोष में 4 आए। क्यों आए, क्योंकि आंतरिक कोष जो कक्ष के है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। उसके बाद दूसरे नंबर की कक्ष एल आती है, उसमें अधिकतम 8 आ सकते हैं, लेकिन अपने पास 2 जाने के बाद में 6 में से 2 जाने के बाद में 4 ही इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं, वो कक्षक एल में जाते हैं। अर्थात ये कहें कि कार्बन परमाणु जो है उसकी बाह्यतम कक्ष जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण, कक्ष जो हैं कोष जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित होते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है 2 4। यहाँ एस और पी, एस पी डी और एफ ये भी शब्द हैं, ये जो हैं ये उपकोष हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो निश्चित होती है। जैसे एस उपकोष है उसमें अधिकतम 2 आ सकते हैं, पी जो है उसमें अधिकतम 6 आते हैं, डी जो है उसमें अधिकतम 10, एफ जो है उसमें अधिकतम 14 आ सकते हैं। ये उपकोषों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये कोषों के आधार पर है, कक्षकों के आधार पर है। अब इसके आधार पर ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। ये बातें जो थी ये 9th की थी। अब आगे अपन पढ़ते हैं कार्बन परमाणु की विशेषता नंबर 4। कार्बन परमाणु की विशेषता नंबर 4 इसकी संयोजकता चार होती है। यह है अपनी चारों संयोजकता एकल बंध, द्विवी बंध एवं त्रिबंध बनाकर संतुष्ट कर लेता है। चारों संयोजकता जैसे ही संतुष्ट करता है और सहसंयोजक यौगिक बनाता है। अर्थात ये कहें कि कार्बन परमाणु जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है। यह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अर्थात अपने बाह्यतम कक्ष का अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण करेगा या फिर इलेक्ट्रॉनों का
साझा करेगा। कार्बन परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण नहीं करता है, यह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अर्थात अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए दूसरे नंबर की बात जो है वो स्पष्ट करता है अर्थात इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है सहसंयोजक सहसंयोजक बंद बनाता है और सहसंयोजक बंद बना करके सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करता है। जैसे ही सहसंयोजक बनते हैं इलेक्ट्रॉनों का साझा करने पर इसका बाह्यतम कक्ष का जो अष्टक है वो पूर्ण हो जाता है, अर्थात ये कहें कि अपनी संयोजकता जो है वो संतुष्ट कर लेता है और यौगिकों का निर्माण करता है। यौगिक जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, सहसंयोजक सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण, अर्थात ये कहें कि ये जो संयोजकता है ये किस प्रकार से संतुष्ट करता है। इसमें नंबर एक आता है चार एकल संयोजी तत्वों से साझा करना, क्योंकि अपनी संयोजकता जो है वो संतुष्ट करने के लिए चार प्रकार से प्रक्रियाएं करता है, जिसमें नंबर एक है चार एकल संयोजी तत्वों से इलेक्ट्रॉनों का साझा कर अपनी संयोजकता संतुष्ट करता है। यहाँ पर चार इस शब्द को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। इसके बाद में एकल संयोजी तत्व अर्थात वे तत्व जिनकी संयोजकता एक होती है, ऐसे तत्व अपने पास जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है आदि, ये एकल संयोजी तत्व हैं। इन चार तत्वों से चार तत्वों से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपनी संयोजकता जो है वो संतुष्ट करता है। देखो कैसे करता है, ये कार्बन परमाणु है, इसकी संयोजकता अपन ने पढ़ी है चार होती है। अभी चारों संयोजकता जो है एकल संयोजी तत्व से, चार एकल संयोजी तत्व से, जैसे अपन लेते हैं हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन परमाणु जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ साझा करता है, एक हाइड्रोजन परमाणु से यहाँ साझा करता है, एक हाइड्रोजन से यहाँ साझा करता है, एक से यहाँ साझा करता है। इस प्रकार से ये अपनी चारों संयोजकता जो है वो संतुष्ट कर लेता है और अपने बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो पूर्ण कर लेता है, अर्थात अष्टक जो है वो पूर्ण कर लेता है और यौगिक निर्मित होता है सहसंयोजक। ये सहसंयोजक यौगिक, क्योंकि यहाँ पर ये जो बंद बन रहे हैं ये क्या हैं, सहसंयोजक बंद, सहसंयोजक बंद। जैसे ही सहसंयोजक बंद बनता है सहसंयोजक यौगिक बनते हैं, ये यौगिक जो है इसका नाम है मेथेन। ये इलेक्ट्रॉनों का साझा किस प्रकार से करता है, अर्थात इस यौगिक के इलेक्ट्रॉनों का साझा जो है उसको बिंदु के रूप में प्रदर्शित करें, इलेक्ट्रॉनों को जो साझा हो रहा है उसको बिंदु के रूप में प्रदर्शित करें, तो वो आ जाती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे यहाँ ये कार्बन परमाणु है, इसके बाह्यतम कोष में देखो ये कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, जिसमें ये थी के कक्ष, ये थी एल कक्ष। इसके बाह्यतम कोष एल है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, चार। इन चारों इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में प्रदर्शित करें, ये हो गए इसके चार इलेक्ट्रॉन। अब ये साझा कर रहा है एकल संयोजी तत्व से, और तत्व है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो एक, अर्थात इसके पास केवल एक कक्ष होती है और उसमें इलेक्ट्रॉन होता है एक। इस प्रकार से यहाँ ये हाइड्रोजन है,
इसका एक इलेक्ट्रॉन ये साझा करता है। इसी प्रकार से दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है उसका एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है। इसी प्रकार तीसरा हाइड्रोजन है उसका एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है। इसी प्रकार से चौथा हाइड्रोजन परमाणु है उसका एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है सहसंयोजक बंध बन रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है कार्बन का बाह्यतम कक्ष जो है उसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। देखो ये कार्बन परमाणु है, इसके बाह्यतम कक्ष का अष्टक पूर्ण हो जाता है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्ष में पूर्ण हो गए आठ, और इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। ये जो है इसके पास केवल एक ही कक्ष है के, और के कक्ष में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस प्रकार इसका भी बाह्यतम कक्ष जो है वो पूर्ण हो जाता है। देखो जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु है, एक दो दो इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, अर्थात हाइड्रोजन जो है उसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है। जैसे ही अष्टक पूर्ण होता है इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, सहसंयोजक बंध बनता है और सहसंयोजक यौगिक बनाता है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्रदर्शित होती है मेथेन। इसी प्रकार से अपने को अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एथेन की बनानी है तो एथेन का अणुसूत्र है C2H6। अब हमें C2H6 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। C2H6 इसका नाम है एथेन। इसमें एक कार्बन परमाणु जो है, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 है, हाइड्रोजन का एक है, अर्थात इसके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये एकल संयोजी है, इसकी संयोजकता संतुष्टकरणीय है। कार्बन परमाणु जो है अपने पास 2 है, इस प्रकार से ये अपनी चारों संयोजकता है वो संतुष्ट करता है, और इसके इलेक्ट्रॉनों का जो साझा है वो अपन बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित करेंगे। जैसे ये हो गया एक कार्बन परमाणु जिसके 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में है, ये साझा कर रहा है दूसरा कार्बन परमाणु जिसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इससे एक हाइड्रोजन परमाणु है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा हाइड्रोजन परमाणु है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका पहला हाइड्रोजन है, ये इसका दूसरा हाइड्रोजन है, ये इसका तीसरा हाइड्रोजन है। इस प्रकार से ये अष्टक पूर्ण करके एथेन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाती है। इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए, ये कार्बन परमाणु है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका अष्टक पूर्ण हो गया। इस कार्बन परमाणु जो है इसका अष्टक पूर्ण हो गया, हाइड्रोजन जो है उनका अष्टक पूर्ण हो गया। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निर्मित होती है। अब हाइड्रोजन के स्थान पर अपन दूसरा एकल सहयोजी तत्व लेते हैं, जैसे अपने लिखा था हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन से तो अपन ने पढ़ लिया। अब जैसे दूसरा एकल सहयोजी तत्व है क्लोरीन, ये कार्बन है, इससे चारों संयोजकता 4 एकल सहयोजी तत्व क्लोरीन से संतुष्ट करता है और यौगिक निर्मित करता है। यौगिक जो निर्मित होता है CCl4 होता है, यहाँ Cl कितने हैं, 4 हैं, तो प्रयुक्त शब्द जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, एक है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। यहाँ पर 4 है इसके लिए टेट्रा प्रयुक्त करेंगे, क्या है 4, क्लोरीन। तो ये हो गया कार्बन
टेट्रा क्लोराइड। आज इतना ही है, फिर कल और बढ़ेंगे।